quick last minute birthday glow up and pamper routine and some glimpses of my birthday, so make sure to watch the video till the end. Cuties, welcome or welcome back to my channel. This is me, Kritika Tanwar. Guys, कैसे हो आप सब? I hope you all are doing good. And you know, मेरा birthday है, so birthday glow up and pamper routine तो बनता ही है. इसके लिए मैं आई हूँ nearby salon में अपना waxing करवाने के लिए. मुझे लगता है कि waxing सबसे पहले हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा सही रहता है कुछ भी करने के लिए. And underarms done हो चुके हैं. Underarms में मैं हमेशा रीका wax करवाती हूँ. And hands में तो चलता रहता है, कभी रीका, कभी चॉकलेट, कभी एलोवेरा. तो सबसे पहले underarms मैंने and hands भी करवा लिए. एंड जो लेग्स है उन्हें मैं घर पे ही कर रही हूँ वीट की स्ट्रिप से, क्योंकि लेग्स में मेरे बहुत ज़्यादा छोटू छोटू हेयर्स थे तो इतना कुछ नहीं था कि मैं लाइक यू नो एकदम सैलून में जाके करवाई, तो वो मैंने घर पे ही कर लिए बिल्कुल अच्छे से, बहुत ज़्यादा इजीली हो जाते हैं. अब कर लेते हैं अपना थोड़ा सा स्किन केयर, जिसके लिए मैंने होममेड DIY स्क्रब बनाया है. एंड मैं बाहर से कभी भी कुछ भी नहीं करवाती, लाइक क्लीनर, फेशियल एंड जो भी कुछ होता है ना, ब्लीचेस, जो भी कुछ होता है मैं घर में ही कर लेती हूँ. इसको मैंने बनाया है, थोड़ी सी मसूर की दाल ली है, थोड़ा सा राइस फ्लावर, उसके अंदर ऐड किया है हनी एंड थोड़ा सा रॉ मिल्क. आप लोग मलाई भी ऐड कर देना थोड़ी सी. एंड बिल्कुल अच्छे से रब करेंगे 2-3 मिनट्स तक, बिल्कुल अच्छे से आपके डेड स्किन लेयर्स को रिमूव कर देगा, एकदम शाइनी सा ग्लो प्रोवाइड करेगा, आप लोग देख ही सकते हैं. थोड़ी सी देर करने के बाद आप लोग एकदम नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए. नाउ कमिंग टू द लिप केयर, ये मेरा सेकेंड बॉटल है बेला विटा ऑर्गेनिक के निकोलिप्स वाले स्क्रब का. बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्क्रब है, मैं आप लोग को सच में बता रही हूँ. एंड इसके आप लोग को बिल्कुल अच्छे से स्क्रब करना है थोड़ी देर तक, एंड यू नो 4-5 मिनट्स तक. बहुत ही ज़्यादा अच्छे लिप्स हो जाते हैं, एकदम सॉफ्ट, प्लम्पी, एकदम जो भी डेड स्किन हो जाती है ना एकदम फटने लग जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से रिमूव हो जाती है, एकदम स्मूथ से लिप्स हो जाते हैं, पिंकी पिंकी से. एंड थोड़ी देर करने के बाद बिल्कुल अच्छे से वॉश या कोई भी क्लोथ से रिमूव कर लेंगे एंड आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर से लिप्स हो जाते हैं. अब करेंगे हम लोग हमारे नोज की केयर. एंड गाइस सी, अगर आप लोग का स्प्रे बॉटल काम नहीं कर रहा है ना तो क्या करना चाहिए ना, उसको आगे से बंद करके उसको चलाना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे से काम करने लग जाएगा. एक बार ज़रूर ट्राई करना. एंड जो आप लोग के हो जाता है ना वो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स, उसके लिए मैं ये सैनफे वाली ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूवल स्ट्रिप्स यूज़ करती हूँ. एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. थोड़ा सा वेट कर लेना है अपने नोज़ को ताकि जो स्ट्रिप्स होती है ना बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए. एंड उसे एकदम अच्छे से चिपका लेना है पूरे नोज़ पे साइड्स में. एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. थोड़ी देर तक 15 मिनट्स तक रखना है, फिर रिमूव कर लेंगे. थोड़ा सा पेन होता है, अभी स्लोली स्लोली आप लोग को एकदम अच्छे से रिमूव कर लेना है एंड आप लोग देखेंगे सारी ही ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव हो जाएंगे, बहुत ही स्मूथ नोज हो जाती है. एंड इसके बाद जो अपर लिप्स होते हैं वो मैंने सैलों से ही करवा लिए थे. एंड ये जो फिंगर वैक्स होती है ना रीका वाली, ये बहुत ही अच्छी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना ये वाली. एंड इससे मुझे बिल्कुल पेन ही नहीं होता, लाइक थोड़ा सा तो अब हर चीज़ में होगा बट इसमें पता ही नहीं चलता आपके हेयर्स कब रिमूव हो जाते हैं. सो मैंने इससे ही करवा ली. फिर वहीं से मैंने अपना कुछ हेयर फ्लिप भी कट करवा लिया था एंड मुझे थोड़ा सा न्यू एंड क्यूट लुक चाहिए था. एंड बर्थडे होता है तो यू नो सबको चाहिए होता है एकदम थोड़े से चेंजेस. एंड मैंने ये वाली हेयर कटिंग करवाया है, एकदम क्यूट सा लग रहा था. अभी आप लोग देखो सी, ऐसा कुछ टर्न आउट हुआ था एंड मुझे मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा न्यू सा फील हो रहा था, एकदम चेंज हो गया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा फील हो रहा था. नाउ कमिंग टू द शीट मास्क, एंड मेरे पास है ये मिनीसो के दो, एक एवोकाडो वाला, एक ये राइस वाला. एंड मुझे लगा कि मुझे राइस वाला ही ट्राई करना चाहिए, इससे एकदम यू नो आप लोग को पता ही है राइस वाली चीज़ों से एकदम ग्लो एंड बहुत ही ज़्यादा ग्लास स्किन सा हो जाता है एकदम. तो मैंने ये वाला ट्राई किया, बिल्कुल अपने अच्छे से फेस पे ट्राई कर लिया, मतलब अप्लाई कर लिया सॉरी. एंड इससे एकदम यू नो ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था, वैसे भी गर्मी कितनी ज़्यादा है आप लोग को पता ही है. सो एकदम अच्छे से अप्लाई कर लिया एंड लिप्स पे थोड़ा सा अप्लाई कर लिया, मसाज कर ली. एंड उसके बाद आप लोग देख सकते हैं सारा एब्जॉर्ब हो जाए ना जब सीरम, तो आप लोग इससे अच्छे से रिमूव कर लीजिए 15 या 20 मिनट्स रखने के बाद. एंड फिर इसे अच्छे से मसाज करेंगे जो भी सीरम बचता है ना उससे. अब है मेरे पास ये मिनीसो का मैनिक्योर एंड पेडिक्योर वाला किट. एंड ये मैंने क्यों ओपन किया है, लाइक इसके अंदर एक सीजर आती है, लाइक ये थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी आप लोग देखो मतलब थोड़ी सी अलग होती है ये. तो इससे मैं क्या करती हूँ ना, मैं आईब्रोज नहीं करवाती, सो मैं जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं ना कॉम्ब्स ऐसे ऊपर करके उन्हें कट कर लेती हूँ. तो एकदम यू नो एकदम थोड़ा सा डिफरेंट सा फील होता है, तो मैं बिल्कुल अच्छे से कट कर लेती हूँ थोड़े थोड़े से हेयर्स एंड बिल्कुल एकदम अच्छे से शेप बन जाता है. हियर इज़ माई बर्थडे की कुछ क्लिप्स, मैंने वहाँ पर जाकर नेल पेंट अप्लाई किया, आप लोग मेरा मेकअप देख सकते हैं, ड्रेस देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी. Happy birthday to you, happy birthday dear Kritika, happy birthday.
सॉरी गाइज, मैंने अपने बर्थडे वाले दिन का व्लॉग बिल्कुल भी नहीं किया, एंड जो भी कुछ मेरे पास क्लिप्स है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग देखते रहिए। एंड यहाँ पे कुछ हम लोग कैफ़े में गए थे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट एंड एस्थेटिक कैफ़े था ये, सारी ही मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारा खाना खाया, बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया हमने। एंड ये मेरे सारे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं एंड हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। एंड अगर आप लोग को एक प्रॉपर शॉर्ट वीडियो चाहिए बर्थडे की क्लिप्स की तो आप लोग ज़रूर बताना। ओके, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।